जमीनी विवाद के चलते चाचा ने भतीजे पर वार कर किया घायल, उपरली सिहाल की है घटना। पुलिस थाना फतेहपुर के तहत पड़ती पंचायत मनोह सिहाल के गांव उपरली सिहाल में एक चाचा ने अपने भतीजे पर वार कर उसे घायल कर दिया, जिस कारण भतीजे की आंख और हाथ पर चोटें आई हैं। वहीं गुरुवार को पीड़ित भतीजे रजत सिंह ने रेस्ट हाउस में फतेहपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बीती शाम अपने चाचा के घर गया था। वे पहले से ही चल रहे जमीनी विवाद पर बातचीत कर रहे थे कि उन दोनों में बहस छिड़ गई। वे बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने भतीजे पर पीछे से वार कर दिया और उसकी आंखों पर भी वार किया, जिस कारण उसे देखना बंद हो गया। मेरा बेटा, मेरे बेटे को बहुत पिटाई की। मैंने बोला मेरे बेटे को मत मारो, पांच लोग मार पड़े। उन्होंने बहुत पिटाई की इसकी। मैंने बोला मेरे बेटे को मत मारो मत मारो, मेरे बेटे की आंख फुटा दी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मेरे कमाने वाला कोई घर पर नहीं है, मेरे घर वाला खत्म हो चुका है। मेरा बेटा ये बेटा भी बिठा दिया इन्होंने घर पे। पता नहीं लाइट आएगी ये नहीं आएगी, उन जा रहे हैं हम टांडा में। उर्मिला देवी, कौन सी पंचायत है? मनोसिया। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मदद, कुछ भी हो सके थोड़ा बहुत मदद करो, गरीब घर के हैं और तो क्या उम्मीद करेंगे। जिससे जितना हेल्प होता है उतना कर दे। अब पता नहीं अब आगे ठीक होना है आँख या नहीं होनी है, वो तो पता नहीं। अब जत सिंह है, मैं ड्राइविंग करता हूँ और उपली सिहाल का रहने वाला हूँ, नौ सिहाल। तो शाम को मैं घर गया था, तो मैं चाचा जी से बात करने के लिए घर पे उनके गया था। तो उन्होंने मेरे को मतलब कि थोड़ा ज़मीन के बारे में थोड़ा रफड़ा हो रहा था, तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा गाली गलौज हो गया। उन्होंने मारा मेरे को, मारा पीटा ऐसे, मतलब कि पीछे से वार किया उन्होंने कुछ। मुझे तो मेरी आँख ही फोड़ दी उन्होंने, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं कितने बंदे सर पे सीधा एक ही बार मारा था उन्होंने, तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कौन मार रहा था कौन नहीं मार रहा था। सब पाँच छः लोग थे, मेरे को कुछ भी पता नहीं किसने क्या किया क्या नहीं। मेरे हाथ से हाथ पैर फ्रैक्चर कर दिए, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया और आँख में तो कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को। तो रात को फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल वालों ने थोड़ा चेकिंग किया। उन्होंने तो बोलते हैं कि नहीं आँख तो आपकी बिल्कुल डैमेज हो गई है इसका, तो अभी टांडा में जा रहे हैं अभी चेकअप करवाने के लिए। क्या बोलते हैं टांडा में क्या नहीं बोलते, पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता है। तो अभी आगे स्टार न्यूज़ के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट।